हेलो फ्रेंड, सुनजी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। घी वाले दिए कैसे बनाए, मोली से बाती कैसे बनाए, आरती करते समय हम क्या करें कि हमारी बाती हिले डुले नहीं, दीपक जलने के बाद जो बाती शेष रह जाती है उसका क्या करें, तो आपके सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं का जवाब मिलेगा मेरे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर आइए बनाते हैं हम घी वाले दिए। घी वाले दिए बनाने के लिए हमें चाहिए घी, मोमबत्ती, कपूर, बाती और कोई भी मोल्ड। बस घी को हमें गर्म करना है और इसी के अंदर हम कपूर का चूरा करके डाल देंगे। हमारी बाती थोड़ी स्टिफ बने इसके लिए हम इसमें मोमबत्ती भी डाल देंगे। जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तब बाती को हल्का सा आगे से घी में डिप करके मोल्ड में लगा लेंगे और ऊपर से घी से पूरा भर देंगे। जब घी हल्का सा जम जाए तो बाती को पकड़कर हम सीधा कर देंगे और अब आप चाहें तो इसमें ग्लिटर भी छिड़क सकती हैं। दीपावली के दिए हैं, कुछ तो स्पेशल होने ही चाहिए। आप इसमें खुशबू और कलर डालकर इन्हें और भी स्पेशल बना सकती हैं। बस 10 से 15 मिनट में आपकी सुंदर घी वाले दिए बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोमबत्ती की जगह आप वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकती हैं। इससे होता ये है कि गर्मी के अंदर ये मेल्ट नहीं होते हैं, पर अगर आप इससे ओनली घी का बनाएंगे तो गर्मी के कारण ये अपना शेप खो देंगे, इसलिए थोड़ी सी वैक्स ज़रूर से मिलाएं। दीपावली आई मतलब गुलाबी गुलाबी ठंड की शुरुआत भी हो गई और ठंड में होता यह है कि हमारी जो बाती होती है वो घी में जम जाती है और हमें बार बार घी को गर्म करना पड़ता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं घी में बस थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल मिक्स कर देती हूँ। एक्चुअली तेल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस कारण हमारा घी प्रॉपर जमता नहीं है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस सर्दी आप भी ऐसा ही कीजिएगा। घर की साफ़ सफाई करना, मिठाइयाँ बनाना, दिवाली के दिनों में हम महिलाओं को कितना काम होता है, तो आइए आपके काम को आसान बनाते हैं। इस बार आप रुई की बाती की जगह मोली से बातियाँ बनाइए। इसके लिए आपको चाहिए कॉटन की मोली या लच्छा। इसे आप अपने दियों की साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और आगे एक गिठान लगा लीजिए। लीजिए, तैयार है आपके दियों के लिए इंस्टेंट बाती। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारी अगरबत्ती पूरी न जल के बीच में ही बुझ जाती है। अगरबत्ती पूरी जले और खुशबू भी अच्छी आए इसके लिए जब भी आप अगरबत्ती जलाएं तो उस पर हल्का सा पानी का हाथ फेर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी अगरबत्ती पूरी जलेगी और आपके घर को भी महक आएगी। बाती बनाने के लिए आप पानी की जगह हमेशा कच्चे दूध का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी बाती कड़क बनेगी। और हाँ, अगर आप बाजार जैसी सुंदर बाती बनाना चाह रहे हैं तो दूध में हल्का सा कुमकुम मिक्स कर लीजिए। रेडी है आपकी कलरफुल रेड बाती। आरती के समय एक्सिस तेल होने के कारण या दीपक हिलने के कारण हमारी बाती बुझ जाती है, जो कि अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। हमारी बाती एक ही जगह स्थिर बनी रहे इसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि आप दीपक में पहले फेविकॉल का एक ड्रॉप लगा दीजिए, फिर उस पर बाती रख दीजिए। यकीन मानिए, आपकी बाती स्थिर बनी रहेगी और तेल में डूबेगी नहीं। जब भी हम दिया जलाते हैं तो घी के हाथों को इधर उधर या कपड़ों से पोंछ लेते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए आप चिमटा यानी प्लकर का इस्तेमाल कीजिए। और अब एक इंस्टेंट उपाय, बाती को झट से जलाने के लिए आप उसकी लौ पर कपूर का चूरा लगा दीजिए।
जलती हुई बाती को दीपक में प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए आप अपने हाथों की जगह इस तरह की सलाई का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके हाथ जलेंगे भी नहीं। तुलसी जी के अंदर परिंडे में जहाँ हम पानी रखते हैं और ठाकुर जी के आगे हम रोज़ दीपक लगाते हैं और धीरे धीरे करते करते कुछ ही दिनों में बहुत सारी जली हुई घी की बातियाँ इकट्ठी हो जाती है। तो इन्हें मैं हर 15 दिन में हल्का सा कपूर डालकर पूरा जला देती हूँ और पूरे घर में धुआं दिखा देती हूँ, जिससे बाती की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई, साथ ही इसके धुएँ से डेंगू मलेरिया के मच्छर भी नहीं होते। अच्छा, घी वाला धुआं घर में पॉजिटिव एनर्जी तो लाता ही है, साथ ही साथ घर में एक सुगंधित खुशबू भी फैला देता है, जैसे घर में मैंने हवन कराया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।